हे गाइस, अगर आप लोग के हेयर बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजी से हो रहे हैं, आप लोग चाहते हो उसे स्मूथ, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी बनाना, तो आप लोग एकदम सही वीडियो पे आए हो। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूँ इस MD के प्रोडक्ट को, जो कि है मैन डिजर्व। अगर आप लड़की हो तो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, नहीं तो अगर आप ढूंढ रहे अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक हेयर केयर प्रोडक्ट, तो आप लोग एकदम सही वीडियो पे आए। बिकॉज आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस हेयर सीरम के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सही होने वाला है। ये रखता है आप लोग के हेयर को स्मूथ, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, एंड साथ ही साथ में शाइन भी रखने में मदद करता है, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। एंड कितना प्राइस है इसका, क्या क्या इंग्रीडियंट मिक्स हैं, जिससे कि आप लोग हेयर को रिपेयर करता है, सही बनाता है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कार्डबोर्ड से। तो यार कार्डबोर्ड आप लोग देखोगे बहुत ज़्यादा प्रीमियम सा फील हो जाता है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा सही है। एंड कार्डबोर्ड में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हम निकाल लेते हैं इस सीरम को। एंड सीरम देखोगे ना तो भाई आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छी बॉटल में आप लोगों को मिल जाता है। अगर आप इसको रखते हो अपने वार्डरोब की में, तो यार कोई भी लड़की आती है, आप लोग का वार्डरोब चेक करती है, तो आपका दोस्त आता है वार्डरोब चेक करता है, तो उसका सीधा नज़र जाएगी इस पर, तो भाई वो कहेगा यार ये क्या रखा हुआ है तुम्हारे वार्डरोब में, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी बॉटल है, तो वो लेना चाहेगा, लेकिन आप लोगों को देना नहीं है। एंड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसमें और चीज़ों के बारे में कि इसमें क्या क्या मिक्स है। तो सबसे पहले हम बॉटल की बात कर लेते हैं। तो बॉटल आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिल जाती है, सामने आप लोगों को 3D स्टाइल में मैन डिजर्व लिखा रहेगा, जो कि हेयर सीरम है, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। एंड ये प्रोडक्ट करता है आप लोगों को सन की UV रेस से, जो कि बहुत ज़्यादा सही है, और ये आप लोगों को इंटेंस हेयर रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एंड ये प्रमोट करता है आप लोग की हेयर ग्रोथ को, जो कि बहुत ज़्यादा सही होने वाला है। एंड ये जो बॉटल है ये आप लोग 100 ml की मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। एंड अगर हम बात करें इसके कुछ की इंग्रीडियंट्स की, तो इसमें आप लोगों को ऑर्गन ऑयल मिक्स हो जाता है, एंड ग्रीन टी के जो एक्सट्रैक्ट है वो इसमें मिक्स हो जाते हैं, और मोरिंगा के एक्सट्रैक्ट भी इसमें मिक्स हो जाते हैं, और कुछ नेचुरल विटामिन C जो है ना इसमें वो भी मिक्स किया गया है, जो कि अगर ये सब मिल जाए ना तो आप लोग के हेयर को एक अलग ही पावर देने में मदद करता है, पावर को बूस्ट करता है, जिससे कि आप लोग के हेयर स्मूथ, शाइनी एंड हेल्दी वगैरह रहने में मदद करते हैं। और अगर आप लोग मुझसे पूछे कि यार ये कौन से हेयर टाइप के लिए है, तो ये मैं आप लोग को बता दूँ कि ये ऑल हेयर टाइप के लिए अवेलेबल है, मतलब आप लोग का हेयर टाइप कोई भी हो आप इसे यूज कर सकते हो। एंड ये आप लोग को नॉन स्टिकी एंड नॉन ग्रेजी मिलेगा, मतलब ये कोई भी आप लोग हेयर में लगाने पर चिपचिप ऐसा नहीं करने वाला, जो कि मतलब बहुत ज्यादा सही होने वाला है। और हाँ यार, मैं इसमें मेन चीज तो बताना भूल ही गया, अगर आप लोग रहते हो किसी एयर पोल्यूशन वाली जगह पे, तो यार आप लोग के हेयर को ना बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है एयर पोल्यूशन, तो ये उससे भी आप लोग के हेयर को प्रोटेक्ट करने वाला है। अगर आप इसको लगा के कहीं बाहर वगैरह भी जा रहे हो, जैसे लाइक तो मतलब ये तो नॉन स्टिक है ना, तो आप लोग इसको कभी भी लगा के दिन में बाहर वगैरह भी जा सकते हो, जो कि आप लोग को प्रोटेक्ट करने वाला है एयर पोल्यूशन वगैरह से, सन की UV रेस से। तो अगर आप कभी भी ऐसे बाहर जा रहे हो, आप लोग बिना हेलमेट लगाए, तो आप लोग हेयर सीरम को लगा सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा सही होने वाला है। अगर मतलब हेलमेट भी लगा के जा रहे हो ना तभी भी आप इसे लगा सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा सही हो सकता है आप लोग के लिए। एंड अगर आप लोग के हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी हैं एंड बहुत ज्यादा रफ रहते हैं, या आप लोगों ने अपने हेयर में केराटिन करवाई हुई है या हेयर कलर करवाया हुआ है, तो आप लोग अगर इसे लगाओगे ना तो आप लोग हेयर मतलब फ्रीजी नहीं रहेंगे, रफ नहीं रहेंगे। एंड अगर आप लोगों ने केराटिन वगैरह भी करवा रखा है, तो केराटिन से डैमेज होते हैं, मतलब थोड़े हेयर खराब से होने लगते हैं, तो अगर आप इसे लगाते हो ना तो आप लोग हेयर मतलब बहुत ज़्यादा सही भी होने लगता है। मतलब मेरे को सुनने में तो थोड़ी गलती हो गई क्या, केराटिन से खराब होते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर आप केराटिन करवा के आए हो फिर भी अगर आप इस हेयर सीरम को लगा रहे हो, तो आप लोग हेयर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सही होने वाली है। हेयर कलर लगवाने के बाद अगर आपके जो हेयर है वो डैमेज होने के डर रहता है, तो अगर आप लोग इस हेयर सीरम को लगाओगे तभी भी आप लोगों को जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। एंड ये आप लोगों को मिनरल फ्री मिल जाता है, पैराबिन फ्री मिल जाता है, सल्फेट फ्री मिल जाता है, एंड अदर हार्मफुल जितने भी केमिकल्स होते हैं ना उससे छुटकारा आप लोगों को देता है, मतलब वो सब इसमें नहीं मिक्स किए गए हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा सही है। सो अगर आप लोग को इसको यूज़ करना है ना तो आप लोग कर सकते हो, बाई गॉड बहुत ज़्यादा सही होने वाला है। सो अगर आप लोग को बाय करना है तो ये आप लोग को 300 रुपये के कुछ आसपास का मिल जाएगा, जो कि आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। एक्चुअली मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा कि भाई आप इसे बाय कर लो, अगर आप लोग का मन है तो आप लोग बाय कर सकते हो, नहीं तो और भी कई हेयर सीरम है आप उससे भी बाय कर सकते हो। लेकिन मेरा दिल आ गया था इस पे, जो कि मैंने इस्तेमाल किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहा था। तो दोस्तों बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। एंड वीडियो आप लोग कैसे लगे प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ऐसी और एक्साइटिंग अमेजिंग वीडियोज़ बनाने के लिए हमारा जो मोटिवेशन है ना वो बनता जाता ही है। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।